हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 3ds मैक्स में इस टाइप के पैरामेट्रिक शेल बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बन सकते हैं? बहुत इजी है बनाना। आप वीडियो को एंड तक देखें तो ये सारे टाइप्स के पैरामेट्रिक शेल्स हैं जो आप इजीली बना पाएंगे। इस तरीके के जो भी आपको शेल बनाने हैं, टॉम टाइप जैसे आपका स्ट्रक्चर होता है, तो कैसे बना सकते हैं वो अभी बना के देखते हैं। उसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार साइड कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्रंट पे जाता हूँ और फ्रंट पे जाके मैं सामने यहाँ पे एक आर्क बनाता हूँ। सबसे पहले आर्क बनाने के लिए मैं एंगल स्नैप ऑन करता हूँ, राइट क्लिक और ग्रिड पॉइंट को स्नैप करूंगा और आर्क लूंगा यहाँ से, और दो पॉइंट को ऐसे स्नैप करते हुए मैं एक आर्क को क्रिएट करूंगा कुछ इस तरीके से। और इस आर्क की प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमाइज होता है इंटरपोलेशन में, आप इसे अडेप्टिव कर दें ताकि इसके सेगमेंट्स हैं वो स्मूथ रहें, और स्नैप को हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसकी प्रॉपर्टी को हम 0 0 0 पे कर देंगे, तीनों प्रॉपर्टी को, और इसको थोड़ा सा साइड में कर देंगे यहाँ पे। इसको करने के बाद हम इसके पाइवेट को उठा के सेंटर में रखेंगे यहाँ पे 0 0 पे। इसको करने के लिए मैं हर एक की पे जाऊंगा, उसके बाद अफेक्ट पाइवेट ओनली पे क्लिक करोगे और इस पाइवेट की वैल्यू को हम मूव करने के बजाय एक्स वाई और जेड को हम 0 कर देंगे ताकि वो सेंटर पे आ जाए, और अफेक्ट पाइवेट ओनली को हटा देंगे। इसको करने के बाद हम यहाँ से टूल्स पे जाएंगे एंड एरे पे क्लिक करेंगे। एरे पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिसेट करूंगा ऑल पैरामीटर को, प्रीव्यू ऑन करूंगा और यहाँ पे रोटेशन को इंक्रीमेंटल को हटा के टोटल पे ले आऊंगा और टोटल एंगल डाल दूंगा 360 डिग्री। जैसे 360 डिग्री डालूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 360 डिग्री इस पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट हो गया है, और नंबर ऑफ काउंट में इंक्रीज कर दूंगा जिससे आपका इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से यहाँ पे देखना चाहते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे इसे रखना चाहते हैं। मान लो मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पे प्लेस किया, एंड कर दो ओके। अब ओके करने के बाद अब इसको थिकनेस दिखाने के लिए मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा और प्रॉपर्टी पे जाके मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्वीप कमांड। जैसे ही स्वीप लगाता हूं तो आप देखो यहाँ पे यूज बिल्ट इन सेक्शन होते हैं, तो सबसे पहले वो एंगल लगाएगा। अब ये साइज आपका बड़ा हो सकता है, तो आप क्या करो, यहाँ पे पैरामीटर पे जाके इसकी लेंथ को कम कर सकते हो, आप इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं ताकि आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बने यहाँ पे कुछ इस तरीके से, देखो। ठीक है, मान लो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी दो कॉपी कर लेता हूँ, दो तीन, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया और दो तीन चार कॉपी कर लिया। अब इसमें चेंज कर करके देखते हैं, सबको सिलेक्ट करना है स्वीप पे। अब मैं यहाँ पे मान लो सिलेंडर लगाता हूँ तो इसका इतना थिकनेस आ गई, तो हम इसको सिलेंडर की रेडियस को कम कर सकते हैं ताकि हमारा इस तरीके का प्रोफाइल बन जाए। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं एंगल की बजाय मैं हाफ राउंड कर देता हूँ सर्कल को, और हाफ राउंड को मैं यहाँ से राउंड को कम करता हूँ, और एग्जैक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे इसका कनेक्शन के लिए मैं इसका एंगल भी अपने तरीके चेंज कर सकता हूँ कि बिल्कुल ये एंगल परफेक्ट आए। तो इस तरीके से आपका एक परफेक्ट आपका यहाँ पे पैरामेट्रिक शेल आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, एंगल की जगह मैं यहाँ पे अगर टी लेता हूँ तो इसका एक अलग इम्पैक्ट आता है, इसकी लेंथ में कम कर देता हूँ और इसकी विड्थ कम कर देता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से एक इम्पैक्ट आता है। और इसकी थिकनेस वगैरह आपको कम करनी है आप वो कम कर सकते हो, इवन आप एंगल चेंज कर सकते हो कि 0 डिग्री के एंगल अगर आप करते हो तो ये एंगल भी आपके यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर कोई भी एंगल आप करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपके रोटेट होगा और जैसा आपको चाहिए वैसी शेप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसको सिलेक्ट करके मान लो मैं यहाँ पे ट्यूब लेते हैं तो रेक्टेंगुलर इस तरीके से ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर आएगा। इसकी लेंथ और विड्थ को मैं कम यहाँ से कर सकता हूँ जितना मेरे को ये चाहिए, और इसको मैं एंगल को 0 कर सकता हूँ ताकि 0 एंगल पे आ जाए, और कॉर्नर रेडियस को मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ अगर मेरे को राउंड चाहिए या मेरे को इस शेप में चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की शेप अगर आपको बनानी है या इस तरीके की शेप बनानी है तो बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं अपना टोम टाइप स्ट्रक्चर अगर बनाना है। बाद में आप इसे सिलेंड्रिकल से फिल भी कर सकते हैं ताकि वो कवर हो जाए, और इसको आप और भी चीजें कर सकते हो आप इसके साथ। कैसे, मान लो आप इसे सिलेक्ट करो और आप इसे रोटेट कर दो 180 डिग्री पे, यहाँ पे अगर आप रोटेट करते हो तो इसके ऊपर आप यहाँ पे ये यह एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ
और यहाँ पे एक सिलेंडर सिलेंडर ले सकते हो इसके सेंटर से, और इसको आप यहां से कवर कर सकते हो कुछ इस तरीके से। बाद में आप इसे बीच में सेंटर पे प्लेस कर सकते हो, और अगर इसकी वैल्यू अगर आप 0-0 करते हो तो ये और परफेक्ट आएगा आपका यहाँ पे इस तरीके से। और फ्रंट में जाके आप इसको थोड़ा ऊपर की तरफ प्लेस कर सकते हो, और इसका कलर भी आप इसी टाइप का कर सकते हो ताकि वो इस तरीके से दिखे, जो भी आपको कलर रखना है। तो आप बाउल टाइप भी बना सकते हो, डेकोरेशन जो डेकोरेटिव पीस होते हैं इसमें कोई भी आप फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये डॉम भी बना सकते हो, इस टाइप के पैरामेट्रिक शेल भी बना सकते हो। तो आशा करता हूँ आप ये अब इजिली बना पाएंगे अगर आपको बनाना है ये। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।